जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसकी जितनी संख्या भारी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी, जिसकी जितनी संख्या भारी, कोई सकता जिंदाबाद। ओबीसी के आरक्षण को लेकर के आज ओबीसी महासभा के द्वारा कलेक्टर पन्ना को ज्ञापन दिया जाएगा, जिसके तारतम्य उपस्थित हमारे सभी ओबीसी महासभा के पदाधिकारीगण, सभी दलों के पदाधिकारीगण, सभी संगठनों के अध्यक्षगण और उपस्थित सभी ओबीसी महासभा के साथियों, आज ये बड़ी विडंबना है कि 56% ओबीसी होने के बावजूद भी हमारे इस मध्य प्रदेश में ओबीसी के हक और अधिकार का हनन किया जा रहा है और हक और अधिकार से खिलवाड़ किया जा रहा है। आप ये जानते हैं, जो भी राजनीतिक दल हो, ये ओबीसी समाज तमाम राजनीतिक दलों में समाहित है और तमाम राजनीतिक दलों को प्लान करता है। लेकिन मैं उन तमाम लोगों से ये जानना चाहता हूँ जो भारतीय जनता पार्टी में भी हमारे समाज ओबीसी समाज के लोग प्लान करते हैं और ओबीसी समाज के भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारी नेता साथी हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि आज मध्य प्रदेश में जब ओबीसी ने अपने 56% आरक्षण की हक और हिस्सेदारी को लेकर के ये आवाज उठाई, तो मध्य प्रदेश के अंदर तमाम लोगों के जन और जहान में ऐसा लगा कि अगर भारतीय ये ओबीसी बहुसंख्यक समाज अगर इकट्ठा होता है तो हम मजबूर हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने जो चाल चली कि हम ओबीसी के आरक्षण को समाप्त करने के लिए जो उन्होंने तर्क वितर्क दे करके, तर्क ना दे करके, और जो कोर्ट का सहारा लेके ओबीसी का आरक्षण समाप्त किया गया, इसके बाद में जब ओबीसी ने अपना हक अधिकार मांगने के लिए ये तमाम पैरवी करने की शुरुआत की, तब भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगा कि जो 27% आरक्षण कांग्रेस की सरकार कमलनाथ ने जो दिया था, उसका श्रेय ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस पार्टी को मिल जाए तो हम उसके श्रेय को खत्म करके हम श्रेय ले लें। तो भारतीय जनता पार्टी रिपिटिशन लगाती है, पिटीशन में कोर्ट का निर्णय आता है कि आयोग चुनाव बिना आरक्षण के करा ले, ये पिटीशन में निर्णय देता है कोर्ट। और जब सरकार कहती है कि हम रिपिटीशन लगाएंगे, तो मध्य प्रदेश की सरकार अगर रिपिटीशन लगाती है तो 2 दिन के अंदर फैसला आता है कि 50% से ऊपर ना हो, 50% से ऊपर ना हो और रिजर्वेशन के साथ चुनाव कराया जाए। इसलिए स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी में रहने वाले लोग, इसलिए कि जब हम जनप्रतिनिधि चुनते हैं अपना अधिकार, हक और अधिकार की रक्षा करने के लिए हम नेता और चुन करके भेजते हैं, चाहे वो जिला पंचायत में हो, चाहे विधानसभा में हो, चाहे लोकसभा में हो, जो हमारा हक और अधिकार है ओबीसी का, उस ओबीसी के हक और अधिकार के लिए हम अपनी सुरक्षा के लिए हम अपने जनप्रतिनिधि ओबीसी के भेजते हैं। लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि
सरकार के जो गुलामी करते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हो, किसी भी पार्टी के हो, अगर ओबीसी को हम अपना प्रतिनिधि बना के अगर भेजना चाहते हैं तो हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए उसको तत्पर रहना चाहिए। लेकिन जैसे कोर्ट ने आरक्षण खत्म किया है, कोर्ट ने जैसे भी आरक्षण खत्म करने की घोषणा की, लेकिन मैं उन ओबीसी समाज के लोगों से जो सरकार में रहते हैं और सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, चाहे हमारे मध्य प्रदेश में जो हमारे मंत्री हैं राम कलावन पटेल जी, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि जब ओबीसी का हक और अधिकार खत्म हुआ तो आपके दिल में कैसा लग रहा था? ओबीसी के पक्ष में आपका हृदय कह रहा था या नहीं कह रहा था? मैं यहाँ के सांसद सपना गणेश सिंह से कहना चाहता हूँ कि जब ओबीसी का आरक्षण कोर्ट ने खत्म किया सरकार के कहने पे, तो तुम ओबीसी के लोग कहाँ चले गए थे? मैं यहाँ के केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल से यह जानना चाहता हूँ, उस समय आप कहाँ थे जब ये आरक्षण समाप्त किया गया? उस समय आप कहाँ थे? इसलिए मैं यहाँ क्षेत्र के ओबीसी के विधायक प्रहलाद जी से भी यह जानना चाहता हूँ कि समाज के लोगों ने तुमको ओबीसी का होने के नाते और आपको अपना प्रतिनिधि बना करके और भोपाल भेजा था, इसलिए अगर ओबीसी के आरक्षण को समाप्त किया गया है, आपकी सरकार है, आप इस प्रदेश में ओबीसी का इस जिले से अंदर से प्रतिनिधित्व करते हैं, आपका मुंह कहां चला गया था? इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं और ओबीसी समाज के लोगों से ये कहना चाहता हूं कि जो भी समाज के लोग सरकारों में गुलामी करते हैं, ऐसे लोगों को हटाने की आवश्यकता है। हमको अपनी ताकत के आधार पर ओबीसी के लोगों को विधानसभा और लोकसभा में भेजना है, ऐसी आशा रखता हुआ, विश्वास रखता हुआ एक बार पुनः ओबीसी के लिए हम अपना आह्वान करते हैं कि चले। और हम ये जानते हैं कि संसद से सड़क तक जब 10% आरक्षण जनरल के लिए होता है तो 3 घंटे के अंदर संसद से और सड़क तक पास हो जाता है। 15% के लोगों के लिए 10% आरक्षण हो, संसद से और सड़क तक पास हो जाता है, और 56% लोगों के लिए 27% ना होकर के समाप्त कर दिया जाता है, फिर आधी कौड़ी या रोटी दी जाती है और 14% किया जाता है। ऐसी सरकारों को हटाने के लिए हम संकल्पित हो जाए, वो जितने भी सीट हमारे अंदर जनरल की आती है सभी में ओबीसी के लड़ करके और आरक्षण को समझना चाहिए। आने वाले समय में जनपद पंचायत, जिला पंचायत और विधानसभा लोकसभा में हमारा ओबीसी का प्रतिनिधित्व करने के लिए ओबीसी के ही लोग जीत के जाएं, ऐसी आशा विश्वास रखता हुआ अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले वर्ष 53% आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर